वेरी गुड आफ्टरनून, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। तो आज से आपकी एक नई सीरीज शुरू हो रही है। ये सीरीज आपकी रोज 1 से 2 बजे तक लगेगी और फिर 3 से 4 आपका मेडिकल का लगेगा, ठीक है। 1 से 2 बजे की ये सीरीज है, तो इस सीरीज को जरूर देखिए। इस सीरीज में आपके HP टैट आर्ट्स के क्वेश्चंस को डील किया जा रहा है, और जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस सीरीज को देखिए। ये सिर्फ 4 दिन का क्रैश कोर्स चला है, सिर्फ 4 डेज का, ताकि आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। पर अगर आप 15 डेज का क्रैश कोर्स पिछले उसका देखेंगे, जितने भी क्रैश कोर्स इस चैनल पे दिए गए हैं, अगर आप उनको भी देख लोगे तो कई क्वेश्चंस हैं जो डील किए जा सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है चैनल, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और जल्द से जल्द इन सीरीज के साथ जुड़िए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके आगे है। पहला हम हिमाचल जीके कर रहे हैं। तो रूपिन वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? रूपिन वैली किस घाटी में है? सबसे पहले देखिए, इसमें सारी चीज़ें आएंगी। इसमें आपकी साइको भी डील की गई है। आपकी चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि इसमें साइको को भी डील किया गया है, आपकी जनरल जीके को भी डील किया गया है। तो रूपिन वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? रूपिन घाटी किस जिले में स्थित है? किन्नौर, सोलन, कुल्लू या लाहौल? लाहौल, लाहौल वैली पट्टन वैली है। कुल्लू इज वैली ऑफ गॉड्स। लाहौल की वैली को हम क्या कहते हैं? लाहौल की वैली को हम वैली ऑफ ऑर्चर्ड्स कहते हैं, जिनको हम पट्टन वैली भी कहते हैं। स्वांगला गार्जा भी इसको कहा जाता है। सोलन वैली, डून वैली और मशरूम वैली भी कहा जा सकता है। रेड वैली भी कहा जा सकता है, क्योंकि टमाटोज के लिए। तो किन्नौर, किन्नौर जो है वो है रूपिन वैली। रिब्बा वैली भी है, जो वैली ऑफ ग्रेव्स के लिए। हम इसमें जो है, क्योंकि अगर जितने भी कैंडिडेट्स इससे जुड़े रहे हैं, नए भी जुड़े हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितनी भी सीरीज़ यहाँ पे क्रैश कोर्सेज चले हैं, उन सारी क्रैश कोर्सेज को देखिए, HP GK को देखिए। वहाँ पे हमने प्रॉपरली डील किया है, ठीक है। और फिर बाद में जो है इन्हीं सेशंस को लाइव में भी डील किया जाएगा। विच प्लेस वॉज द कैपिटल ऑफ कुल्लू ड्यूरिंग एशियन पीरियड? एंशियंट पीरियड यानी प्राचीन काल में कुल्लू की राजधानी कौन सी थी? आलमपुर, आलमपुर आलमचंद ने बनाया, ठीक है, यहाँ पे ये गलत। देवथल, देवथल जो था ये देव प्रकाश ने बनाया या धर्म प्रकाश ने, ठीक है। जोगड़ी से देवथल धर्म प्रकाश ने की थी, और जोगड़ी बनाया था गर्व प्रकाश ने। ये देवथल कैपिटल जो है ये सिरमौर की रही है, धर्म प्रकाश ने बनाई थी जोगड़ी से आपकी देवथल। जगत सुख या नगर? नगर विशुद्ध पाल ने बनाया। सबसे पहली कैपिटल जगत सुख थी, जो बिहिंगमिंग पाल ने बनाई थी। किसने बनाई थी? बिहिंगमिंग पाल ने। तो फाउंडर ऑफ कुल्लू इज बिहिंगमिंग पाल। विशुद्ध पाल ने नगर बनाया था, और नगर में क्या है? रोरिक आर्ट गैलरी। कहलूरिया क्लैन बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? कहलूरिया क्लैन या कहलूरिया कबीला किससे रिलेटेड है? खत्रीज, खत्रीज होते हैं गद्दीस, ठीक है। ये बेसिकली किसको वो फील करवाते हैं? अदंबराज को। और ये शिव भक्त होते हैं, और जो कि नवाला करते हैं। राजपूत, जार्स जो होते हैं ये बुद्धिस्ट, और खासकर ये आपको लाहौल वैली में मिलेंगे या किन्नौर वैली में मिलेंगे। कुलेंस, कुलेंस सिरमौर के होते हैं, ठीक है। जो सिरमौर डायनेस्टी है उसको बोलते हैं कुलेंस। और कुलेंस पे विजय किसने पाई थी? आपकी अर्जुन ने। बहेड़ा, कुलेंद का मतलब क्या है? बहेड़ा। और युधिष्ठिर को कुलेंद के राजा जो थे गिफ्ट देते थे। तो ये नहीं है, आंसर इज राजपूत, कहलूरिया। और कहलूरिया क्लैन का सबसे इंपॉर्टेंट राजा है हरिहर चंद, हरिहर चंद, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। बनेर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? यमुना, यमुना को कालिंदी एंड हैव एथिकल रिलेशंस विद द सन। खोदर मजरी से सिरमौर में एंटर करती है और ताजेवाला से बाहर निकल जाती है। रावी, पुरुषनी, इरावती बड़ा बंगाल से निकलती है। खैरी से आपकी कहाँ पे जाती है? आपकी माधोपुर में जाती है। सतलुज राक्षस ताल से, किन्नौर से सबसे पहले एंटर करती है, शिवकिला से। फिर शिमला में चौड़ा से, मंडी में फिरनू से, बिलासपुर में आपका कसोल, और फिर नीला, ठीक है। तो आंसर इज ब्यास। ये किससे है? ब्यास खुंड से निकलती है ब्यास। तो ब्यास जहाँ पे सबसे पहले कुल्लू में बहती है, फिर मंडी, फिर कांगड़ा, हमीरपुर में भी है, इसकी खज है। तो आंसर इज ब्यास। चंबा चर्च वॉज इरेक्टेड बाय विच रूलर ऑफ चंबा? किसने बनाया था चंबा चर्च? छतर सिंह। छतर सिंह एक ऐसा राजा था जिसने औरंगजेब के, कहा जाता है औरंगजेब के आदेशों का अवहेलना की थी, क्योंकि औरंगजेब ने इनको कहा था कि सारे मंदिरों को ध्वस्त किया जाए, लेकिन छतर सिंह ने ये बात नहीं मानी थी। और उन्होंने क्या है, लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने जो गुंबद बना उस पर
घर डोम बनाया था। गोपाल सिंह के टाइम पे आए थे मायो, और गोपाल सिंह के टाइम पे जो है ये नहीं बना था, गोपाल सिंह के टाइम पे जो है मायो आए थे, इन्होंने ब्यूटिफिकेशन का काम किया है। भूरी सिंह म्यूजियम बना था, फोगेल ने बनाया था 1910 में। बिजली घर भी यही, आंसर इज श्याम सिंह के टाइम पे चंबा चर्च बना। चंबा चर्च किसके टाइम पे बना है? श्याम सिंह के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेम्पल इज सिचुएटेड इन द हिस्टोरिकल चुगान ऑफ सुजानपुर टीला? सुजानपुर टीला के किस चौगान पे, यानी सुजानपुर टीला पे कौन सा टेम्पल सिचुएटेड है? मृकुला देवी टेम्पल, तो मृकुला देवी टेम्पल किसने बनाया था? प्रताप वर्मन ने बनाया, और प्रताप वर्मन ने कहाँ पे बनाया था? उदयपुर। और उदयपुर की कैपिटल क्या है? मृकुला। गायत्री टेम्पल जो है ये सिरमौर में बना है। ठीक है, तो ये नहीं है, एकमात्र गायत्री टेम्पल है। लक्ष्मी नारायण टेम्पल चंबा में है, साहिल वर्मन ने बनाया, ये स्वामी परमानंद ने बनाया। ठीक है, गायत्री टेम्पल लक्ष्मी नारायण टेम्पल साहिल वर्मन ने बनाया, कहते हैं युगांकर वर्मन इनकी मूर्ति लेकर आए थे। तो आंसर इज मुरली मनोहर टेम्पल, जो कि किसने बनाया था? संसार चंद ने। गौरी शंकर टेम्पल भी संसार चंद ने बनाया। सुजानपुर टीला को बनाने वाले थे अभयचंद, और सुजानपुर सिटी को बनाने वाले थे घमंड चंद। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। विच विलेज इज नोन एज द गेटवे ऑफ लाहौल? गेटवे ऑफ लाहौल किसे कहा जाता है? चितकुल। चितकुल जो है ये किन्नौर की लास्ट कहते हैं विलेज है। ठीक है, लॉसर इज द लास्ट विलेज ऑफ सिरमौर, सॉरी स्पीति। कॉक्सर इज द गांव ऑफ, कहा जाता है किसका, फर्स्ट गांव, फर्स्ट विलेज ऑफ आपकी चंद्रा वैली। तो अब आपके पास विच विलेज इज नोन एज गेटवे ऑफ लाहौल, तो गेटवे ऑफ लाहौल बोला जाता है रामपुर को। किसको बोला जाता है? कॉक्सर पहला गांव है। ठीक है, ये पहला गांव है, फर्स्ट विलेज, ठीक है, जो कि चंद्रा वैली की है। तो कॉक्सर नहीं होगा, यहाँ पे आएगा रामपुर। ठीक है, हिमालयन आर्ट बुक इज रिटन बाय, हिमालयन आर्ट किसने लिखी? राम राहुल, जे सी फ्रैंक, एल पी पांडे या अक्षर सिंह? अक्षर सिंह ने लिखी बिलासपुर की कहानी, एल पी पांडे ने लिखी प्राचीन हिमाचल, और राम राहुल ने लिखा हिमालयन बॉर्डरलैंड। तो आंसर इज जे सी फ्रैंक। विच फेस्टिवल इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ पीचेस? सायर फेस्टिवल कांगड़ा में ज़्यादा मनाया जाता है, फर्स्ट हार्वेस्ट जब मक्की की करते हैं। लॉसर इज द न्यू ईयर सेलिब्रेशन इन लाहौल स्पीति, जो कि फेबररी के मंथ में की जाती है। फुलेज इज द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, जो कि आपका कहाँ पे, किन्नौर में किया जाता है। ठीक है, तो आंसर इज चैत्रौल। चैत्रौल। हु इज द फाउंडर ऑफ धामी? धामी का फाउंडर कौन है? बसंत पाल, जिसने भगाट बनाया था, और भगाट का नाम रखा था इंद्रपाल ने। लास्ट रूलर थे दुर्गा सिंह। उदयपाल, उदयपाल जो थे ये चारू भज्जी के जो फाउंडर थे वो थे चारू, जिसने अपना नाम बाद में क्या कर लिया था? उदयपाल। तो ये नहीं, राजपाल। राजपाल धामी के ही राजा थे, जिसने अपने साथ सिंहपाल को हटाकर सिंह प्रत्यय लगाया था। तो गोविंद पाल वॉज द फाउंडर। गोवर्धन जो थे वो लास्ट रूलर थे, और हलोंग इसकी कैपिटल थी। कोई भी क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना प्लीज। कॉक्सर और रामपुर पे मत, गेटवे ऑफ तिब्बत भी कहा जाता है, या आप इसको ट्राइबल एरिया भी कहते हैं। लाहौल और किन्नौर के लिए ये ट्राइबल एरियाज रामपुर से एंटर किया जा सकता है। कॉक्सर पहला गांव है, ठीक है, इसको पहला गांव बोल सकते हैं। तो विलेज अगर आप बोलें तो रामपुर या कॉक्सर। तो विच विलेज इज नोन एज गेटवे ऑफ लाहौल, तो दैट इज चंद्रा वैली में एंटर करना है। तो अगर किसी को डाउट रामपुर और कॉक्सर में है तो वो आप मुझे कंफर्म कर देना। नेक्स्ट आता है, हु इज द, अब आते हैं आपके साइकोलॉजी के सेशंस। क्या आता है? साइकोलॉजी। हु इज द फादर ऑफ कॉग्निटिव मूवमेंट? कॉग्निटिव मूवमेंट के फाउंडर कौन है या फादर कौन है? एल्बर्ट बेंडूरा, स्पियरमैन, स्किनर या फिर जेन प्याजे? जेन प्याजे ने जो है कॉग्निटिव थ्योरी दी थी। ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी इसने दी थी, जिसमें क्या कहा गया था कि जो पर्सन होते हैं उनकी कई स्टेजेस होती हैं, सेंसरी मोटर, प्री एडल्टहुड, लेटर एडल्टहुड, ये एजेस दी थी। तो ये नहीं है। स्किनर ने क्या कहा था? स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है, इसको क्लासिकल कंडीशन, इसमें जो है रीइंफोर्समेंट को फैक्टर बनाया गया था, रीइंफोर्समेंट। ठीक है, रीइंफोर्समेंट को फैक्टर बनाया गया था, कि कहा गया था कि रीइंफोर्समेंट इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर, तो
तो ये नहीं है। स्पीयरमैन जिसने जनरल और टू फैक्टर थ्योरी थी, जनरल एंड स्पेसिफिक, तो ये नहीं। आंसर इज अल्बर्ट बेंड्यूरा। विच इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द स्टडी ऑफ बिहेवियर? साइकोलॉजी होती क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर की स्टडी। तो क्या मतलब अगर किसी भी स्टडी ऑफ बिहेवियर का सबसे ओल्डेस्ट मेथड, देखिए ऑब्जर्वेशन होता है टू चेक टू फॉर्म द फैक्ट्स, फैक्ट्स के बेसिस पे ऑब्जर्व करना, या जो आप देख रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, केस स्टडी, जो आप जो भी आपके पास फैक्ट्स हैं, जो भी फिगर्स हैं उनकी केस स्टडी, क्लिनिकल मेथड दैट इज देयर मेडिकल हिस्ट्री। तो आंसर इज अंतर निरीक्षण, आंसर इज अंतर निरीक्षण। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, हु सेड दिस? एजुकेशन जो है, शिक्षा मनुष्य में पहले से ही मौजूद है, पूर्णतया की अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा है? स्किनर ने, हल ने, आपका फ्यूड ने, या फिर आपका विवेकानंद ने? तो अगर हम इसकी बात करें तो मैं आपको इसमें एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगी, जो स्किनर है वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जिसने ऑपरेंट थ्योरी दी थी, ठीक है। अगर इसमें और बात की जाए तो हल नहीं, फ्रीउड ने जो है ईगो और आइडीज के बारे में बात की गई है, तो ये नहीं है आपका। अगर हम इसमें और बात करें तो आंसर इज विवेकानंद, आंसर क्या आएंगे इसके? विवेकानंद। थ्योरी ऑफ री इन्फोर्समेंट इज गिवन बाय किसने दी? टोलमैन ने, परसेप्शंस पे दी थी, चार्ल्स जड नहीं, स्किनर, आंसर इज स्किनर, जेन प्याजे ने दी। द टर्म मेंटल हाइजीन इज रिलेटेड वॉज गिवन बाय, मेंटल हाइजीन किसने दिया था? मिलियम, ये मिलियम है, ये विलियम नहीं है, दैट इज मिलियम, ठीक है। तो किसने दिया था आपको ये? तो देखिए सबसे पहली चीज़, अगर हम टॉलमैन की बात करें तो परपसिव ऑब्जेक्टिव थ्योरी दी थी, और अगर जड की बात करें तो इन्होंने चेंजेस दैट टेक प्लेस वेरियस स्टेजेस, मतलब जो चेंजेस वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है, तो वो अगर देखा जाए मेंटल हाइजीन, तो मेंटल हाइजीन जो था वो विलियम स्वेस्टर ने दिया था, आंसर इज ए। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने नहीं दिया, थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था आपका, ट्रायल एंड एरर दिया था। डोनर हेब ने, कैनेडियन थे ये, कैनेडियन साइकोलॉजी, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा हो सकता है कैनेडियन जिसने सबसे ज़्यादा किस साइकोलॉजी को फील किया था? न्यूरो साइकोलॉजी को, ये किसको फील किया गया था? न्यूरो साइकोलॉजी। और वर्धमान ने जो थी ये दी थी फाउंडिंग फादर ऑफ, ये एक फाउंडिंग फादर है गेस्टाल्ट, जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है उसका वन ऑफ द बेस्ट मेंबर ऑफ, फाउंडिंग मेंबर ऑफ वर्धमान। तो आपको ये पता होना चाहिए पहली चीज़ कि मेंटल हाइजीन विलियम स्मिस्टर ने दी, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, रैट पे एक्सपेरिमेंट किया था, डोनर हेब कैनेडियन थे, और इन्होंने न्यूरो साइकोलॉजी की, मतलब नर्व्स मैसेज कैसे लेकर जाती हैं उसके बेसिस पे दिया था, और वर्धमान जिसने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी दी थी, ठीक है। फाउंडर थे ये, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाउंडर, ठीक है, इनसाइड थ्योरी जिसको आप बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी थी? इंटेलिजेंस जो है वो विभिन्न प्रकार की है, व्योत्स्काय, व्योत्स्काय ने मॉरल डेवलपमेंट, सॉरी सोशल डेवलपमेंट पे दिया है, कि हर इंडिविजुअल की सोशल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, एंड ही वॉज द रशियन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। बिनेट ने जो है आईक्यू टेस्ट दिया था, आईक्यू टेस्ट जो है अल्फर्ड बिनेट ने दिया था। कॉलबर्ग ने जो है, कॉलर ने कौन सी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, ठीक है, सिक्स स्टेजेस पे थी? तो आंसर इज गार्डनर, गार्डनर ने जो है, हार्वर्ड गार्डनर ने जो है मल्टीपल थ्योरी दी थी। विच एज इज कॉल्ड एज टॉय एज? बचपन, खिलौने की एज कौन सी होती है? पोस्ट एडल्टहुड, ये तो बहुत बड़ी एज होती है जिसमें लोगों को समझ आ जाती है, एडल्टहुड नहीं, लेटर चाइल्डहुड नहीं, दिस इज कॉल्ड एडोलेसेंस एज, अर्ली चाइल्डहुड बच्चे के टाइम पे, ठीक है, जब बच्चा पैदा, यानी 0 to 2 years या 0 to 5। टॉय एज ज़्यादातर हम 0 to 2 years लेते हैं। क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू मोटिवेशन, बिहेवियर, कन्वर्जेंट, या क्रिएटिविटी क्या होती है? जो भी चीज़ क्रिएट की जाती है उसकी थिंकिंग कन्वर्ज नहीं होती है, यानी मतलब वहीं तक लिमिटेड नहीं होती है, उसकी थिंकिंग ब्रॉड थिंकिंग होती है, माइंड, मतलब जैसे थिंकिंग का मतलब है ब्रॉड होना, तो कन्वर्ज, अगर जो भी क्रिएटिव करेगा वो हर चीज़ को डाइवर्ज, मतलब डाइवर्सिफाइड करके देखता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी अलग सोच।
हु इज द फाउंडर ऑफ लॉज ऑफ लर्निंग? लॉज ऑफ लर्निंग किस पे डिपेंड करता है? कितनी जल्दी आप पढ़ते हो, कितनी जल्दी आप एक्सरसाइज करते हो उस चीज़ को, कितनी जल्दी प्रैक्टिस करते हो, और कितना उसका इफेक्ट होता है। तीन फैक्ट्स होते हैं लर्निंग के। तो विलियम जेम्स ने नहीं, इसने इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी थी। इसने क्या दी थी? इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो ये नहीं है। जॉन डेवी साइकोलॉजिस्ट भी हैं और फिलोसोफिस्ट भी हैं। एजुकेशन के बारे में भी इन्होंने कहा है। स्किनर जिसने ऑपरेंट थ्योरी, तो आंसर इज थॉर्नडाइक। ये कौन थे? आपके थॉर्नडाइक, जिसने लॉ ऑफ लर्निंग निकाला था एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी, कि बार बार ट्राई करते रहोगे कभी ना कभी आपको जो है इफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है आपका राइट। इसने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था। इसने क्या किया था? कैट पे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, स्किनर ने किया था आपका रैट पे। नाउ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम इंग्लिश। चेयरमैन कंडक्टेड द मीटिंग द एप्लॉम। चेयरमैन एक मीटिंग कंडक्ट कर रहा है उस द एप्लॉम। एप्लॉम का मतलब क्या होता है? सेल्फ डिस्ट्रस्ट नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं, डाउट नहीं। आंसर इज पॉइस। आंसर क्या आएगा? पॉइस। दिस इज अ लक्रेटिव बिजनेस। लक्रेटिव होता है प्रॉफिट होना, एनिमी नहीं होना, लॉस नहीं होना। आंसर इज प्रॉफिटेबल। फाइंड द ईडियम ऑफ ईमेन सर्विसेज। ईमेन सर्विसेज क्या होता है? ईमेन सर्विसेज होता है इट्स अ रिकमेंडेबल या द कमेंडेबल जॉब, मतलब अच्छे से अच्छा काम करना, दैट इज कॉल्ड एक्सीलेंट वर्क। ही सेड टू मी वॉट आर यू डूइंग। ही सेड टू मी वॉट आर यू डूइंग, आप क्या करते हो? ही आस्क्ड मी वॉट ही वॉज डूइंग। ही टोल्ड मी वॉट ही वॉज ड्रॉइंग। ही आस्क्ड मी वॉट आई वॉज डूइंग या ही आस्क्ड मी वॉट आई वॉज डूइंग। देखिए यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस, आई थिंक व्हाट ही आस्क्ड मी दैट, यहाँ पे ये कर लेते हैं। ही आस्क्ड मी व्हाट आर यू डूइंग, तो ही आस्क्ड मी, ही सेड मी, तो यहाँ पे आएगा ही सेड टू मी में मतलब वो पूछ रहा है, तो आस्क तो आएगा ही आएगा। व्हाट आर यू डूइंग मतलब वो क्या कर रहा है, तो व्हाट ही वॉज डूइंग, ही टोल्ड मी तो आएगा नहीं। ही आस्क्ड मी वॉज डन भी नहीं आएगा। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग, दिस इज द राइट आंसर। फाइंड द करेक्ट स्पेल अनाउंसमेंट के। अनाउंस एन एन एन, फिर देखो उसको स्पेलिंग कैसे याद करें, एन नाउन मेंट। तो अब आपके स्पेलिंग देखिए, अनाउंसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अलाहाबाद इज डैश फ्रॉम जयपुर देन आगरा। अलाहाबाद जो है इसमें अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन भरनी है। बिफोर पहले आता है, नहीं उसके पीछे है, बियॉन्ड भी नहीं आएगा, फार्दर या फार, तो अप्रोप्रिएट वर्ड इज फार। फार्दर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे दो के साथ कंपैरिजन हो रहा है। देयर मस्ट, द मस्ट बी फिनिश विदाउट, दिस मस्ट बी, द नहीं, दिस मस्ट बी फिनिश विदाउट, ये जो है फटाफट फिनिश हो जाना चाहिए देरी के बजाय। तो नियर नहीं, टू नहीं आएगा, फर्दर डिले, इसको ख़त्म करो कि इससे और देर हो सके। द करेक्ट फेमिनाइन जेंडर फॉर हॉर्सेस। हॉर्स का जेंडर क्या होता है? मेयर, एस नहीं, म्यूल नहीं, कब नहीं। ठीक है, आंसर इज मेयर। द करेक्ट मैस्कुलाइन जेंडर फॉर बी इज फॉक्स होता है विग्जन। विग्जन का क्या होता है जेंडर? फॉक्स। गूस का गीस। ठीक है, क्वीन का किंग। तो मैस्कुलिन इज ड्रॉ, आंसर इज ड्रॉन। नाउ कम्स आपका जो है नेक्स्ट, आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनसे डील करते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ सुंदरबन डेल्टा? सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे पहला क्वेश्चन से ये बनता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट डेल्टा। तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, ये कौन सी शेप का है? रॉम्बस, सिलेंड्रिकल, ट्रायंगुलर या रेक्टेंगल? तो ये त्रिभुजाकार है, जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन होता है वहाँ से निकलता है और बंगाल की खाड़ी तक जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर। हु गेव द स्लोगन डू एंड डाई? डू और डाई का स्लोगन किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने तो कहा था, स्वराज इज माई बर्थ राइट आई विल टेक इट। लाला लाजपत राय ने, गो बैक साइमन,
महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो या तुम मुझे आजादी दोगे मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो आंसर इज महात्मा गांधी। ठीक है, आज हम ऑप्शंस को, अगर आप बाल गंगाधर तिलक तो गणेश फेस्टिवल, शिवाजी, मांडले, केसरी, महारथा जो है इन्होंने लिखे, मराठा न्यूज़पेपर इन्होंने लिखे, लाला लाजपत राय का 17 नवंबर को डेथ हो गई थी लाठी चार्ज पे, तो ये नहीं है। लाल बाल पाल इज द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से आए थे, 1917 में इन्होंने पहला आंदोलन चलाया, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 और 39 में दो कांग्रेस सेशंस ज्वाइन किए थे, हरिपुर एंड त्रिपुरा त्रिपुरी। ठीक है, तो ये नहीं है आपका। इंडियन आजाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने की थी, तो आंसर इज महात्मा गांधी। व्हेन वाज लास्ट सेंसस हेल्ड, सबसे लास्ट सेंसस, पिछली जनगणना कब हुई थी, यहाँ पे पूछा पिछली, 1942 में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट आई थी, 1975 में आपका मान लीजिए आपकी पाक इमरजेंसी पावर आई थी, इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो ये नहीं है। आंसर इज सबसे पहले सेंसस 1881 में शुरू हुए थे, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, किसने शुरू किए थे, मायो ने शुरू किए थे। आंसर इज 2000, लास्ट सेंसस जो हुए वो 2011 में हुए हैं। विच एक्ट इज कॉल्ड एज द रिविजन ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, रिविजन ऑफ, देखिए इंडियन एक्ट ये मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म से सेपरेट, इंडियन डायरेक्ट जो है 1919 मॉन्टैग, तो आंसर इज इंडियन प्रेस एक्ट, ये इसको क्या बोलते हैं हम, इंडियन प्रेस एक्ट 1878 में आया था, लॉर्ड लेटन के टाइम पे आया था, और इसको रिपील किसने किया था, इसको रिपील किया था आपकी लॉर्ड रिपन 1882 में। ठीक है, प्रिवी पर्स वॉज अबॉलिश्ड इन विच स्टेट या इन विच ईयर, स्टेट नहीं ईयर, 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, जलियांवाला कांड, 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था जिसमें सरोजनी नायडू ने रिप्रेजेंट किया था, आंसर इज 1971। बीबी का मकबरा इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया, बीबी का मकबरा जो है ये किस सिटी में है अभी, तो बीबी का मकबरा पुरी जो है जगन्नाथ पुरी उड़ीसा में है। ठीक है, तो जगन्नाथ का टेम्पल वहाँ पे है। मैसूर, दैट इज द मैसूर जो है सैंडल के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, और टीपू सुल्तान की कैपिटल मैसूर रही है, तो ये नहीं है। राजस्थान, राजस्थान इज फेमस फॉर पुष्कर लेक। ठीक है, तो आंसर इज दिलवाड़ा टेम्पल्स के लिए भी फेमस है, आंसर इज औरंगाबाद। लास्ट मुगल एम्परर वॉज आलम शाह, नहीं जहांगीर शाह, जिसको जबरदस्ती जुल्फिकार की हेल्प से बैठे थे, बहादुर शाह या शाह आलम टू, जिसने शाह आलम टू ने बैटल ऑफ बक्सर 1764 में जो हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो आंसर इज बहादुर शाह जफर, जिनको 1857 की क्रांति में कहाँ भेज दिया गया था, रंगून। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज बिल्ड बाय विजयालय, चोला डायनेस्टी का था, तंजोर कैपिटल थी। ठीक है, नटराज जो नटराज की मूर्ति है वो इनसे निकली है। दंती दुर्ग, गोपाला और पाला जो है ये पाला डायनेस्टी के रूलर्स हैं, दंती दुर्ग वॉज द फाउंडर ऑफ आपके राष्ट्रकूट। ठीक है, तो गोपाला या धर्मपाला, धर्मपाला ने बनाई थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, और नालंदा यूनिवर्सिटी किसने, जो कि बिहार में है, वो बनाई थी कुमार गुप्त ने, गुप्ता पीरियड में, तो ये याद रखना। ठीक है, कुमार गुप्त, यहाँ तक किस किस का क्लियर है। हु प्रोपाउंडेड दीने इलाही, दीने इलाही किसने शुरू किया, औरंगजेब, जिसको जिंदा पीर भी बोलते हैं। ठीक है, और कहा जाता है इन्होंने जजिया को फिर से इंट्रोड्यूस किया था, और अगर जिंदा पीर इनको कहा जाता है, इन्होंने गुरु तेग बहादुर को भी मारा था, तो ये नहीं है। शाहजहां, जिसने लाल किला बनाया, मोती महल आगरा में बनाया, जहांगीर, प्रोपाउंडेड चेन ऑफ जस्टिस किसने शुरू किया, जहांगीर ने शुरू किया, तो ये नहीं। आंसर इज अकबर, अकबर ने शुरू किया था दीन इलाही, और इबादत खाना भी इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। हु गेव द थ्योरी ऑफ पंचशील, पंचशील के सिद्धांत कब शुरू हुए थे, 1954 में, किसने दिए थे, जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। ये फाइव प्रिंसिपल्स थे कि
इंडिया और किसके बीच में थे, इंडिया एंड चाइना के बीच में साइन किए गए थे कि इंडिया और चाइना जो है एक अच्छे रिलेशंस में रहेगा, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, तो उसमें ये स्लोगन चला था हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन 1962 में जब इंडो चाइना वॉर डिक्लेयर हो गई थी, जिसकी वजह से ये पंचशील के सिद्धांत जो थे वो खराब हो गए थे, खत्म हो कर दिए गए थे। तो ये पंचशील सिद्धांत जो थे ये किसने शुरू किए थे, जवाहरलाल नेहरू, ड्रेन थ्योरी दादा भाई नरोजी, सरदार पटेल ने बारदोली सत्याग्रह किया है, बीजी तिलक ने जो है होम रूल लीग पार्टी पुणे में शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये याद है ना, जो पंचशील है ये 5 प्रिंसिपल्स थे जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किए थे। कहा जाता है ये 5 जो है हिंदुस्तान और चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस के लिए थे, लेकिन बीच में कुछ डिस्क्रिपेंसीज हुई थी जिसकी वजह से भारत और चीन के बीच वॉर छिड़ गई थी और इनके जो ये पंचशील सिद्धांत है ये खत्म हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ब्रिटिशर प्राइम मिनिस्टर सॉरी डिक्लेयर इंडिया फ्री, इंडिया फ्री किसने डिक्लेयर किया था? ठीक है, लॉर्ड लिथिंगलो। लॉर्ड लिथिंगलो के टाइम पे आप कह सकते हो 1936 से 43, इसके 42, तो 42 में आपका देखो क्विट इंडिया मूवमेंट इनके टाइम पे हुई, लॉर्ड लिथिंगलो के टाइम पे, अगर इंडिविजुअल सत्याग्रह इनके टाइम पे हुआ तो ये नहीं, माउंट बेटन 1947 जिसने इंडिया को आज़ाद, इंडिया और पाकिस्तान दो डोमिनियन बनाए थे। ठीक है, लॉर्ड वेव और ये चेयरमैन किसके थे, अलाइड पावर्स के थे। ठीक है, लॉर्ड वेवन 1945, तो 45 में सबसे पहली चीज़ बर्मा शिमला में हुई थी ये कॉन्फ्रेंस, देन 1945 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 46 में कैबिनेट मिशन प्लान, और आपका देखिए 1942 में लिथिंगलो के टाइम पे क्रिप्स मिशन आया था, 46 में कैबिनेट मिशन प्लान वेवल के टाइम पे आया था। आंसर इज क्लेमेंट इटली, किसने शुरू किया था, क्लेमेंट इटली ने, हु वाज नोन एज मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन इन वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व में रक्त और लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, समुद्रगुप्त को, नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया, विष्णुगुप्त को कौटिल्य कहा जाता है, ठीक है, जिसने अर्थशास्त्र लिखी थी, और इसको वीए स्मिथ ने कहा था नेपोलियन, ठीक है, और कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखी थी, इसको कौटिल्य चाणक्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के ये लीडर थे, इकोनॉमिक पॉलिसी दी थी, नेपोलियन, नेपोलियन को समुद्रगुप्त कहा जाता है, ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया नहीं, ठीक है, आंसर इज प्रिंस बिस्मार्क, आंसर इज प्रिंस, इनको नेपोलियन को वाटरलू की बैटल से याद कर लीजिए, ठीक है, आंसर इज प्रिंस बिस्मार्क। फिर सिख गुरु लेट द फाउंडेशन ऑफ सिटी ऑफ अमृतसर, देखिए गुरु तेग बहादुर को किसने मारा था, औरंगजेब ने, गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और बैसाखी भी इनके टाइम पे शुरू हुई, दैट इज पांवटा साहिब, गुरु अर्जुन देव ने गोबिंद जो आपका ये गोल्डन टेम्पल है ना जिसको हरमंदिर साहब बनाया वो गुरु अर्जुन देव ने बनाया, तो गुरु रामदास ने आपकी सिटी अमृतसर बनाया। द फेमस किंग ऑफ कुशान डायनेस्टी वॉज मीर कासिम वॉज द नवाब ऑफ बंगाल, रजिया सुल्तान फर्स्ट फीमेल टू अटेन द दिल्ली सल्तनत का थ्रोन किसने लिया था, रजिया सुल्तान बेटी ऑफ किसकी डॉटर थी, इल्तुतमिश, बुक्का हरिहर बुक्का जो थे ये विजयनगर एम्पायर के थे, फाउंडर थे, आंसर इज कनिष्क, कनिष्क के टाइम पे साका एरा शुरू हुआ था, इसको ह्यूचिस भी बोलते हैं, कैडेफिस भी बोलते हैं, और साका इरा इनके टाइम पे ट्राउजर्स एंड बूट्स इनके टाइम पहने जाते हैं, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी इनके टाइम पे कश्मीर में हुई थी। इन विच ईयर मुस्लिम लीग इज फॉर्म, मुस्लिम लीग कब बनी, तो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 में नहीं, 1907 में सूरत स्प्लिट हुई थी, 1906 आपका मुस्लिम लीग जो थी वो 1906 में बनी थी, सर सैयद अहमद नवाब सलीमुल्ला खान आगा खान कहाँ पे, ढाका में, ठीक है, 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था, किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। देखिए यहाँ पे अगर आपको ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं मैं वैसे ही क्वेश्चन, इन एशियन टाइम जैनिज्म स्प्रेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ, जैनिज्म किसके टाइम पे स्प्रेड किया था, बृहद्रथ लास्ट रूलर ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी, चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे मेहरौली इंस्क्रिप्शन ये गुप्ता पीरियड का था, उज्जैन को इसने अपनी कैपिटल बनाया था, साका ठीक है तो ये नहीं है, बिंदुसरा, बिंदुसरा जो थे
चंद्रगुप्त के बेटे थे। तो आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जैनिज्म जो था वो फाउंडर था, तो आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगर किसी को भी कुछ भी डाउट होगा, कोई भी फीडबैक देना है, प्लीज कमेंट सेक्शन पे दे लीजिए। नेक्स्ट आता है, अब आता है आपका ज्योग्राफी का सेशन। माउरीज आर द इनहैबिटेंट्स ऑफ, माउरीज कहाँ के इनहैबिटेंट्स थे? तो देखिए, पेरू, पेरू के थे, नांती गए, ठीक है, या कागा बैटू ट्राइब्स हैं, साउथ अफ्रीका की जुलू ट्राइब्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के एब ओरिजिनल्स हैं, ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज न्यूजीलैंड, वेलिंगटन इसकी कैपिटल है। ठीक है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब सबसे ज्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट नहीं, रेड सॉइल नहीं, ब्लैक सॉइल जिसको चरणजम भी बोलते हैं, और कॉटन प्लांटेशन यहाँ पे होती है, और ये कहाँ जाता है? जो ब्लैक सॉइल है ये दक्कन ट्रैप पे बहुत मिलती है, एलिवाइस सॉइल, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में सबसे ज्यादा क्या होती है? एलिवाइस सॉइल, फर्टाइल सॉइल है। विच सी इज नोन एज हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर, हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर किसे? लेक सुपीरियर, लार्जेस्ट लेक इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया, बाल्टिक सी, लार्जेस्ट ब्रैकिश लेगून या ब्रैकिश वाटर, ठीक है, बाल्टिक सी नहीं है, तो कैस्पियन सी, लार्जेस्ट इनलेट लेक है ये, ठीक है, तो ये नहीं, आंसर इज मेडिटेरियन सी, जहाँ पे नील नदी गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डेज मून कंप्लीट वन राउंड द अर्थ, वैसे देखा जाए कितने दिनों में कंप्लीट करता है, तो ये आपका कितने दिनों में कंप्लीट करता है? 27.5 डेज। तो 25 ये कितना आएगा? देखिए, कई बार आपको अगर 28 ना दिया होगा तो 27 पे टिक लगा लेना, मोस्टली 28 डेज, 27 को भी आप टिक लगा सकते हो अगर ऑप्शन ना दी गई हो। विच कंट्री हैज पंपास वेजिटेशन, देखिए पंपास सबसे ज्यादा अर्जेंटीना में होती है, ठीक है, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स वेजिटेशन है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड है, आपकी साउथ अमेरिका में आप बोल सकते हो आपकी सावनास, ठीक है, तो आंसर इज ब्राजील। आपने ये क्वेश्चंस जो देखने हैं कि मैम इसमें तो ये पाई जाती है, आपने ये नहीं, वहां पे ऑप्शंस के बेसिस पे आपको आंसर देखना है। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स एशिया एंड यूरोप, कौन सेपरेट करता है? हिमालयस नहीं, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, एंडीज इज द हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स, जिसके एकेंगुआ जो है दैट इज द हाईएस्ट पीक, एल्प्स, एल्प्स जो है इसका जो है मॉन्ट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक, यूराल्स, तो एशिया एंड यूरोप को कौन अलग करता है? यूराल्स, कौन अलग करता है? यूराल्स। नेक्स्ट आता है आपका, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज, कौन सी सबसे बड़ी नदी जो है प्रायद्वीप की? सबसे बड़ी नर्मदा, ये एक ऐसी नदी है जो वेस्ट फ्लोइंग नदी है, कावेरी नहीं, तला कावेरी, कृष्णा नहीं, आंसर इज गोदावरी, इसको वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। विच इज द फर्स्ट साइट टू गेट समर मानसून, सबसे पहली साइट कौन सी है? ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न, इसको पूर्वांचल बोलते हैं, सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, ईस्टर्न घाट्स जो हैं ये आपके जिसको आप कोरोमंडल कोस्ट, नॉर्दर्न सिकास बोलते हैं, तो सबसे पहली जो बारिश होती है मानसून की वो वेस्टर्न घाट्स में पड़ती है और सबसे पहले आती है केरला में, ठीक है। जोजीला पास इज बिटवीन, जोजीला पास किन्नौर में है आपका, शिपकिला पास आपका अरुणाचल प्रदेश में है, बॉमडिला पास सिक्किम में है, जलपिला पास, तो आंसर इज लद्दाख। इंडिया हैज लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन विद बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना या फिर आपका, देखिए अगर चाइना की बताएं तो 3488, भूटान की मैं आपको बताती हूँ 699, म्यांमार की है 1643, तो बांग्लादेश की है 4096.5, तो सबसे लॉन्गेस्ट इसकी है बांग्लादेश, और अफगानिस्तान की है 1666, सबसे छोटी अफगानिस्तान की। द लाल स्ट्रीट इज लोकेटेड एट, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या कोलकाता, आंसर इज मुंबई। सबसे बड़े मैंग्रोव्स कौन से हैं? पिंचवरम जो है ये इंडिया के सबसे बड़े मैंग्रोव ट्रीज हैं जो कि तमिलनाडु में, पलिकट लेक आंध्र प्रदेश, चिल्का, लार्जेस्ट ब्रैकिश लगून ऑफ इंडिया जो कि उड़ीसा में, आंसर इज सुंदरबन। ये चिल्का लेक जो है ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी है फेमस।
है। नेक्स्ट आता है पॉलिटी सेशन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स अबाउट द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का कौन सा आपको मतलब कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशनल, तो आर्टिकल 32, दैट इज हार्ट एंड सोल भी बोला जाता है। ठीक है, हार्ट एंड सोल इसको बोला जाता है, बी आर अम्बेडकर ने कहा था। 23 एंड 24 जो है दैट इज अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यंग वंस, ठीक है, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन। तो आर्टिकल 24 जो आता है ये आता है फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन। ठीक है, तो आंसर इज 32। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव, राष्ट्रपति को उनके ऑफिस से कौन हटा सकता है, स्पीकर नहीं, चीफ जस्टिस नहीं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, आंसर इज पार्लियामेंट। कोई भी हाउस इनके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट कर देता है, 2/3 मेजोरिटी से जो है इनको प्रूव करना पड़ता है। और क्या कहा जाता है कि जो आपके पार्लियामेंट में, ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज आपका पार्लियामेंट, कोई भी हाउस इनको वो कर सकता है, 14 दिन के अंदर इनको प्रूव करना पड़ता है। द प्रोडक्शन ऑफ इम्पीचमेंट का आर्टिकल होता है आर्टिकल 61। प्रोडक्शन ऑफ ऑनियन इज हाईएस्ट इन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश इज द शुगर बोल ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश राइस, मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज़्यादा होती है, और पन्ना माइंस जो है दैट इज फेमस फॉर डायमंड। नेम द यूनियन टेरिटरी वेयर फ्रेंच इज वन ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार है, या फिर आपका अंडमान निकोबार नहीं है, लद्दाख नहीं, दादा नगर हवेली नहीं, आंसर इज पुडुचेरी, आंसर इज पुडुचेरी। द प्रेजिडेंट एड्रेसेस बोथ द हाउसेज, प्रेजिडेंट जो है दोनों हाउसेज को संबोधित करता है, कब, सेशन के एंड में, मिड ऑफ द सेशन, या फिर एट द एंड, सबसे पहले जब भी सेशन शुरू होता है या कोई भी गवर्नमेंट नहीं बनती है, सबसे पहले एट द बिगनिंग कौन उनको संबोधित करता है, प्रेजिडेंट। ये है आपका करंट सेक्शन, करंट सेक्शन का पहला क्वेश्चन, एक सेकेंड, विच कंट्री इज टू स्टार्ट द नॉक एवरी डोर कैंपेन टू बूस्ट वैक्सीनेशन, कौन सा है आपका, इंडिया। ठीक है, इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र हैज रिसेंटली ओवरसीन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ विच कंट्री, किसने, सुशील चंद्र ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है, उज्बेकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुल्ला पेरियर डैम लोकेटेड इन केरला इज इन कंट्रोल ऑफ विच, मुल्ला पेरियर डैम जो है वो किस स्टेट के कंट्रोल में आता है, दैट इज तमिलनाडु, कावेरी। सिटिंग बुल हु वॉज सीन इन न्यूज वॉज अ नेटिव डैश लीडर, ग्रीक, अफ्रीकन, अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन, आंसर इज अमेरिकन। अब ये जो है आपके आगे क्वेश्चंस हैं, इनको वन लाइनर इसलिए दिया है कि देखते हैं आपको कितना याद आता है। WTO इज इसका अर्लियर नेम क्या था, गैट, जनरल एड्स ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, तो ये जो है आपका 1995 में इसको WTO बोल रहा, आंसर इज जिनेवा में है ये। विच कंट्री विल होस्ट 2024 में जो आपके हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके कहाँ पे, पेरिस में, और लॉस एंजलिस में हो रहे हैं आपके 2028, ठीक है, और 2032 में ब्रिस्बेन में हो रहे हैं। ठीक है, द सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी जो कि ऐसे करके है दैट इज कॉल्ड उदय शंकर। सारे क्वेश्चंस आपके टैट में पूछे गए हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज कॉल्ड पैलियंटोलॉजी। ओजोन डिप्लीशन आकर एट कहाँ पे होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। ठीक है, किसकी वजह से होती है, वो होती है आपकी CFCs की वजह से। ठीक है, हैंगिंग वैलीज, जो हैंगिंग वैलीज होती हैं वो किससे फॉर्म होती हैं, ग्लेशियर से, हिमखंड जिसको बोलते हो। द फेजेस ऑफ मून, जो फेजेस आते हैं, जो चरण आते हैं मून के, वो किसकी वजह से आते हैं, रोटेशन की वजह से, किसकी वजह से आते हैं, रोटेशन की वजह से। डेप्थ ऑफ सी किससे मेजर किया जाता है, फेदोमीटर्स, फेदोमीटर। अ गुड टीचर हैव, अ गुड टीचर हैव नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सबसे ज़्यादा चीज़ क्या होनी चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर की।
पंचुअल होनी चाहिए, ठीक है, पंचुअल होनी चाहिए एंड इम्पार्शियल टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, इम्पार्शियल टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बिहेवियर टुवर्ड्स स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट्स के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होनी, जो स्टूडेंट का बिल्डअप करे, जो स्टूडेंट्स को गाइड करे, जो स्टूडेंट्स के को नॉलेज दे इन एवरी सब्जेक्ट ऑफ मैटर, उसकी जो मास्टरी है दैट इज अ गुड टीचर और द आइडियल टीचर। तो ये था मेरा आज का सेशन। देखिए मैंने ये जो है आपके आगे रखा है, अगर आपको तैयारी है, अगर आपको लगता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशंस नहीं होनी चाहिए, तब भी आप मुझे बता देना, तो हम ये एमसीक्यू सीरीज ऐसे ही कर लेंगे, फिर बाद में जो है इनकी एक्सप्लेनेशंस हम लाइफ में ले लेंगे। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तब भी आप बता देना, पर अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कीजिए। सिर्फ 4 दिन है, आज एक हो गया, 3 क्लासेस बची हैं, तो इन क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड आफ्टरनून। अब मेडिकल साइंसेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट सेशंस को जरूर देखें, उसमें हम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस और आपका जो कहते हैं उसका साइको से क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो वो आपकी क्लास जो होगी वो 3 से 4 होगी, तो आप उस क्लास को जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि ये आपकी 1 से 2 होगी, एक ब्रेक और फिर 3 से 4 की क्लास पे भी जरूर जुड़िए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड आफ्टरनून।